यहाँ बैठा रहो, यहाँ और यहाँ से इधर उतर दिया। सामान तो बहुत सारा नहीं दिख रहा आपको, ये तो कर देंगे ना, अलग करना ही पड़ेगा आपको। रंग के साथ आपने देखा था काला होता है। इधर से ये पाइप हटाओ पहले तो। नहीं नहीं वो घुसा तो है, घुसा है पर ये आएगा तो पता चलेगा वहां तक सामान है। फिर वो सामान के पीछे पीछे जाता रहेगा ना तो अपन पकड़ नहीं पाएंगे। और एक जना भी इधर ही खड़े रहना। हाँ ऐसा हाथ मत दो, रुको अभी। हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, हाथ से है ना। अब हम उधर से हटाएंगे, ठीक है। ये मकसद होता है क्योंकि वो उधर हलचल करेंगे ना। अभी चूहा चूहा खाने के लिए आया। ज्यादा बड़ा है, हाथ डेढ़ हाथ का है। ज्यादा बड़ा है लकड़ी हटाना। कौन सा है? कोबरा है। कोबरा है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे कहा जाता है कोबरा सांप, और ये काफ़ी हाईली वेनमस स्नैक होता है, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। और सांप कभी भी ऐसे तो आगे रहकर नहीं काटते, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ेंगे, छेड़ेंगे, दबाएंगे तो ये आपको बाइट कर सकते हैं, लेकिन सांप कभी भी आगे रहकर नहीं काटते। तो चलिए दोस्तों इसको ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे और सीधे जार में करेंगे। हमने क्या बोला, यहाँ सामान हटाओ। सही बात है, हमको पता है हम हलचल वहाँ करेंगे वो निकले। तो नमस्कार दोस्तों, आए थे ग्राम डाबरी और देवी सिंह जी हैं, इन्होंने हमें कॉल किया था। और इनकी छत के ऊपर, अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि सांप जो है छत पर या ऐसी ऊंची जगह पर नहीं आ पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। धामन के अलावा कोबरा सांप भी आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण है अभी कि ये छत के ऊपर ही था और वहाँ से हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। और ये सांप काफ़ी विषैला, काफ़ी जहरीला होता है, लेकिन कभी भी सांप आगे रहकर किसी को काटते नहीं है जब तक हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं।
और ये दबाव महसूस नहीं करेंगे तब तक सांप जो है किसी को बाइट नहीं करते। तो दोस्तों एक बार आपको पास से दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है इंडियन कोबरा स्नैक, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, काफ़ी हाईली वेनमस स्नैक है, लेकिन सांप कभी भी आगे रहकर नहीं काटते। हर बार हर वीडियो में बार बार मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि सांप को देखते ही कई लोग मार देते हैं, तो आपसे निवेदन है कि सांपों को मारे नहीं। और अगर ये सांप गलती से बाइट कर ले काट ले तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर एंटी स्नैक वेनम जरूर लें, और बिल्कुल भी किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। तो दोस्तों काफ़ी विषैला सांप होते हुए भी सांप कभी भी आगे रहकर बाइट किसी इंसान को नहीं करता, वो तभी काटता है जब वो दबाव महसूस करता है, जब खतरा महसूस करता है तो ही सांप काटता है। तो दोस्तों सांप हमारे प्रकृति के मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, आहार श्रृंखला का हिस्सा हैं, इनका इस धरती पर रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सांप को देखते ही ना मारें, हमें कॉल करें, हम आएंगे, रेस्क्यू करेंगे और वापस नेचर में इनको रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने देवीलाल जी ग्राम डाबरी उनके यहाँ से इस कोबरा स्नैक को जो है छत के ऊपर से रेस्क्यू किया, और अब नेचर में इसको हम मुक्त कर रहे हैं, नेचर में रिलीज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों रिलीज़ करते हैं। एक बार फिर से आपको नाम बता देते हैं, इंडियन कोबरा और हाईली वेनमस स्नैक, इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, काफ़ी विषैला सांप होता है, लेकिन सांप कभी भी आगे रहकर नहीं काटते। Yeah, I don't know.